Now let's continue with page number 33. Adding made easy. Anisha bought apples for 37 rupees. Anisha है उसने apples 37 rupees में खरीदे. Raja bought bananas for 21 rupees. और राजा ने bananas 21 rupees में खरीदे. The woman selling fruit said, अब ये जो woman है वो fruit sell कर रही है, वो बोल रही है 37 is 30 and 7. 37 means 30 plus 7. 21 is 20 and 1. 21 मतलब 20 plus 1. So 37 and 21 makes 58. इसके लिए 37 plus 21 करेंगे तो 58 बनेगा. The first two I can do. अब ये बोल रही है हम first दो कर सकते हैं. How did she add 37 and 21 so fast? अब ये बोल रही है, ये बोल रहा है कि इसने इतना fast 37 और 21 को कैसे calculate कर दिया. So, let us also try, look at this sum. तो हम भी try करते हैं, इस sum को देखते हैं. 26 plus 43. We break 26 into 2 plus 6. हमने 26 को break किया 20 plus 6 में. And 43 को break किया 40 plus 3 में. अब 43 को break किया 40 plus 3 में. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 40 को इधर ले लिया, ये 6 को इधर ले लिया. तो 20 को नीचे डाउन कर दिया और ये 40 को इधर लिया, ये 6 को इधर कर दिया, 3 को इधर किया. 20 प्लस 40 को ऐड किया तो 60, फिर 6 प्लस 3 को ऐड किया तो 9. तो हमारा आंसर आया 69. मतलब इन्होंने शॉर्टकट एक्सप्लेन किया है कि पहले 37 और जैसे कि ये 37 और 21 है, तो इसने क्या किया, पहले 30 और 20 को प्लस कर दिया तो 50 आया, फिर 7 और 1 को प्लस किया तो 8 आया, तो 58 आंसर आ गया. इसके लिए इन्होंने स्पीड में उन्होंने काउंट कर दिया. कैन यू डू इट अनदर वे, से हाउ, क्या आप अलग तरीके से कर सकते हो, बताओ कैसे. तो 33 प्लस 56, तो 30 प्लस 3 प्लस 50 प्लस 6. 33 को हमने 30 प्लस 3 ऐसे ओपन कर दिया. 56 मींस 50 प्लस 6. अब इन्होंने क्या किया, ये 30 और 50 का प्लस किया है, तो 30 प्लस 50 इज इक्वल टू 80, और बाद में प्लस रखा है 3 और 6 को, तो 80 प्लस 9, 3 प्लस 6 कितना हुआ 9, तो इज इक्वल टू 89.